पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी और इस वक्त ज़िला खानेवाल में मौजूद मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मुस्तनसर बिल्ला खान नाहर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले के। उनसे हम सवाल करेंगे कि इस वक्त जनूबी पंजाब या सरायकिस्तान की तहरीक कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये मुस्तकबिल में सरायकिस्तान के हवाले से जो है इनके क्या प्रोग्राम है सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के और इस वक्त जनूबी पंजाब या खानेवाल डिस्ट्रिक्ट को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है उस हवाले से इनका क्या तबसरा है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़िल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुसाफिर पाकिस्तानी कहने के हवाले से अपना मौकफ बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि ज़िला खानेवाल पंजाब का दरमियानी शहर है, हर लिहाज से सफ़र के लिहाज से देख लें पंजाब का दरमियान का शहर है ये। खानेवाल को शुरू दिन से ही इसका शिकार किया गया कि यहाँ से तमाम जो थी यानी कि जब ये स्ट्राइकिंग खत्ता तो शुरू से बना हुआ है तो इन्होंने क्या किया अपर पंजाब वालों ने इससे जो आसाइशें थी छीनना शुरू की, उसमें खानेवाल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। खानेवाल में सिर्फ और सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी जहाँ से तकरीबन खानेवाल के तमाम शहरी जो है अपनी रोज़गार कमाते थे, वो हक भी इन्होंने छीन कर उसको एक आबादी में शिफ्ट कर दिया और वो आबादी भी तख्त लाहौर के हवाले कर दी और वो आज वहाँ कॉलोनी बनाई गई है जिसका केसेस भी चलते रहे हैं, वो भी परवेज़ इलाही को हवाले के यानी उनको उनके किसी आदमी को दी गई है और वो उसको सेल कर रहे हैं। ये तो था खानेवाल की। अब इससे आगे चला जाए सरायकी खत्ते को देखें, ये सरायकी खत्ता खानेवाल से वैसे तो साहिवाल से शुरू होता है लेकिन खानेवाल के दरमियान है और ये मुल्तान भावन नगर भावलपुर और रिहंगियार खां सरगोदा ये तमाम जो खत्ता है आप रोहिणी की तरफ ज़रा नज़र घुमाएँ तो वहाँ आपको पुराने किले नज़र आएंगे। तो वो जो पुराने किले थे आज वो खंडरात बन चुके हैं और उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। जो किले थे वो ऐसे किसी ज़माने बना करते थे जहाँ पानी की आसाइश होती थी और वहाँ आबादी होती थी, वहाँ जाके किले बनाते थे तो जब भी वो आबादी नवाब वहाँ रहते थे। तो आज वो खंडरात में शिफ्ट हो चुकी है और वहाँ फसलात भी नहीं होती, वहाँ की तमाम तर बुनियादी जो सहूलतें थी वो भी उनसे छीन ली गई हैं और आजकल यानी मुकम्मल खंडरात में वो शिफ्ट हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती है सरायकी सूबे के साथ, सरायकी खत्ते के साथ, सरायकी खत्ते में रहने वाले लोगों के साथ। अब यहाँ एक और ज्यादती हुई है वो ये कि इस खत्ते के अंदर ये हमारा खानेवाल का एरिया नोबाती कलोनी एरिया कहलाता है। यहाँ कोई भी इस्लामाबाद स्कीम चली तो हमारे रकबे जो खानेवाल के थे उन इस्लामाबादियों के हवाले कर दिए गए, उनको अलाटमेंट कर दी गई। उसके बाद स्कीम चली तरबेला स्कीम तो हमारा खानेवाल का वसी एरिया तरबेला वालों को दे दिया गया। अब खानेवाल के अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी मुल्क की ऐसी ज़बान के लोग नहीं जो इस खत्ते में आबाद ना हों। यहाँ सिर्फ सरायकी नहीं, यहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं, यहाँ पश्तून मौजूद हैं, यहाँ सरायकी मौजूद हैं, यहाँ पंजाबी मौजूद हैं। कोई भी ज़बान जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो मेरे ख्याल के मुताबिक खानेवाल में भी अच्छे तरीके से बोली जाती है और उनके उस ज़बान के लोग खानेवाल में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद यानी कि गेट वे के होने के बावजूद इस खत्ते को हमेशा हमेशा महरूमियों का शिकार रखा गया। हमारे खानेवाल में या सरायकी खत्ते में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री इस्लामाबाद में अपना साहिवाल में आकर रुक जाती है, लाहौर से शुरू होती है। हम अगर लाहौर से चलना शुरू करें रोड के साथ साथ सारी इंडस्ट्री नज़र आती है, वो चाहे मीट की हो, वो चाहे ब्रायलर हो, वो चाहे लेयर हो, साहिवाल तक आते हुए तमाम जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे सरायकी सूबे सरायकी खत्ते को इन तमाम मसाइशों से बाला दाग रखा गया है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। अभी मेरे सूबाई सदर साहब फरमा रहे थे कि इनके सिर्फ गंदम, हम सिर्फ गंदम पैदा नहीं करते, हमारे अंदर इनके सरायकी खत्ते के अंदर दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है, मकई की पैदावार बहुत ज़्यादा है, कपास बहुत ज़्यादा है,
गंदम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें जो है वो खाने के लिए जब वापस दी जाती है तो डबल कीमत भी ज़्यादा दी जाती है। ये हमारे खित्ते के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, हमारे कोटे बहुत कम हैं। ये तो हुई इस हद तक, अब आ गई नौकरियाँ मुलाजमतें। अब अदलिया को देख लें कि अदलिया अपर पंजाब में हमारे कुछ और उनकी शिफ्टें होती हैं, लोअर पंजाब में हमारा जस्टिस कभी कभी आता है। मेंबर पंजाब बार देख लें, उसमें पाकिस्तान बार मेंबर की जब बारी आती है तो अपर पंजाब के मेंबर पाकिस्तान बार के मेंबर बनते हैं, लोअर पंजाब का मेंबर कभी कभी आके बनता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। तो मेरी ये हुकूमत वक्त से इल्तमास भी है कि हमारे खित्ते के साथ ज्यादतियाँ बंद करें, हमारे खित्ते के साथ ज्यादतियाँ बंद करें, हमारे सराइकी इलाके के साथ, सराइकी खित्ते के साथ, जिसमें सिर्फ सराइकी लोग नहीं, ये खित्ता सराइकी जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बसने वाले तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ ज़बानों में अच्छी तरह बोलते हैं और मुख्तलिफ ज़बानों के लोग बशिंदे हैं, लेकिन हम सराइकी उस खित्ते के हवाले से ये बात हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँगे कि हमारे खित्ते के साथ ज्यादती बंद करे, ज्यादतियाँ ख़त्म करे और हमारे जो हकूक़ हैं हमें दिलाए जाएँ। मैं अपने सराइकी वसीब को, अपने सराइकी बशिंदों को, सराइकी खित्ते के लोगों को, अपने सूबाई सदर नईम अहमद ख़ान साहब का पैगाम पहले पहुंच चुका है, हमारे सूबाई और जो अपने वफाकी क़ियादत है उनकी इनके पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे खित्ते के साथ ज्यादतियाँ बंद करें, जुल्म ज्यादती बंद करें, हमारे जो हैं कोटे सिस्टम जो हैं वो भी अलग होना चाहिए और जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए। हम मज़ीद ये है जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने हकूक़ पर डाका नहीं डलने देंगे। अब हमारी एक आवाज़ इनकी क्यादत में, सूबाई क्यादत में नईम खान साहब की क्यादत में और हमारे वफाकी क्यादत राना फराज़ मून साहब की क्यादत में उठ खड़े हैं। अब आवाम में जज्बा फैलेगा, बढ़ेगा और हम अपना हक छीनने के लिए इनके गिरबानों तक जाएंगे इंशाल्लाह, और अपना हक अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हम खड़े हो गए हैं, इंशाल्लाह अपना हक इनसे छीन कर रहेंगे।